स्वागत है गाइस एक और वीडियो में। आप सभी का स्वागत है गाइस वुमेन बिग बैश लीग की एक और प्यारी सी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल के दूसरे मैच की, जो है सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट। मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। सिडनी सिक्सर्स 6 नंबर पे है, ब्रिस्बेन हीट 4th नंबर पे है। ग्राउंड है ब्रिस्बेन का और होम ग्राउंड है ब्रिस्बेन हीट का, तो उन्हें एडवांटेज तो रहेगा। दूसरी बात गाइस, यहाँ पर इनके बीच में अभी तक 18 मैच हुए हैं और 11 मैच जीती है ब्रिस्बेन हीट। ब्रिस्बेन हीट का पल्ला भारी भारी है। लास्ट एनकाउंटर में भी ब्रिस्बेन हीट मैच जीती थी, तो ब्रिस्बेन हीट के फेवर में तो टीम बनानी ही पड़ेगी, बट साथ ही साथ आपको सिडनी सिक्सर्स के फेवर में भी टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि पिछला मैच वो काफ़ी अच्छा खेल के नहीं आए हैं। बट फिर अब गेम चेंज हो सकता है, लास्ट के 2 मैच दोनों टीम हारती हुई आ रही है। तो गाइस बात करते हैं टीम प्लेइंग 11 की, दोनों टीम्स की जो खेलेगी। अगर कुछ चेंजेस होगा टॉस के बाद आप देख लेना, बट मैं जब भी आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें बता देता हूँ टीम के बारे में, और फिर हम बात करेंगे हमारी दो प्यारी सी स्मॉल लीग टीम्स की। अगर ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग करती है और ब्रिस्बेन हीट अगर पहले बॉलिंग करती है। ग्रैंड लीग की टीम्स मैंने YT मेंबर्स यूट्यूब वालों को ग्रैंड लीग की 2 टीमें दे दी हैं। स्मॉल लीग की टीम भी आप ग्रैंड लीग में खेल सकते हो, भूलो मत। वुमेन क्रिकेट में आपको 13-14 प्लेयर ही मिलते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं फैंटीसी के हिसाब से, तो इसी वजह से सेफ टीम भी काम कर जाएगी। तो गाइज सीधा चलते हैं टीम के ऊपर ओवरव्यू दिखाने। तो गाइज अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन बेटर दिख रही है, थोड़ी कम दिख रही है, वो भी देख लेना गाइज। मैंने तब भी कोशिश करी है जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके मैं आपको दिखा सकूं। तो गाइज यार ये तो टीम देखो गाइज, तो पहले हम बात करते हैं सिडनी, हम चलते हैं सीधा टीम पे। एक मिनट गाइज, ऐप बंद हो गया था। अब ठीक है। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली जो टीम है वो है ब्रिस्बेन हीट की। इसमें है रेड माइनी, हैरिस, केयर। काफी लोगों को प्लेयर्स का ज्यादा पता नहीं होगा, तो मैं सभी को बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो हैरिस, रेडमी, केयर, उसके बाद डूप्रीज और हीट में से कोई एक अच्छा बैटिंग करता ही करता है। उसके बाद हैंकॉक इनका मेन बॉलर, जो नीचे सबसे 10th नंबर पे है। सिपिल, इस जो जो ओपोनेंट है इसके खिलाफ सिपिल की काफ़ी अच्छी बॉलिंग रही है। उसके बाद दूसरी तरफ से है ई पैरी, एस बेट्स, ए गार्डनर, ई बर्न्स। इसमें से गार्डनर और पैरी का बहुत क्रिटिकल रोल है गाइस। एस बेट्स आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। ई बर्न्स इस ओपोनेंट के सामने 25 की एवरेज है, बट वैसे इसने कुछ खास नहीं किया है। सी टायरन बहुत ही तगड़ी फॉर्म में ऑलराउंडर, पिछले मैच में भी काफ़ी रन मारे, विकेट्स भी पिक कर रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर। एम करमाइकल, बैटिंग इनकी आती है हर बार, 10-15 रन की पारी, कभी 20 रन की पारी खेल देती है। मेटली ब्राउन ऑलराउंडर अगेन, बॉलर प्लस बैट्समैन, बट अब ये नीचे आएंगी तो पता नहीं इनकी बैटिंग आएगी नहीं आएगी, बट बॉलिंग से ये आपको पॉइंट दे सकती है। के पेले इनकी कीपर, इसकी बैटिंग नहीं आती है गाइज और कीपिंग में भी ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे पाती हैं, तो मैं इसको हमेशा ड्रॉप ही करता हूँ। की पीटरसन काफ़ी इंपॉर्टेंट, के पीटरसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। के पीटरसन थर्ड बॉलर है इनकी, ज़्यादातर मैचों में मैंने इनको पिक नहीं किया, बट इन्होंने विकेट ले लिया है, एक विकेट तो ले ही जाती है ये। ली शीटल है इनकी, एल शीटल, जो इनकी सबसे मेन बॉलर और सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाली, शीटल और स्मिथ, एल स्मिथ, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट बॉलर हैं इनकी टीम की। अगर इन्हें मैच जीतना है तो इन्हें विकेट लेनी पड़ेंगी इनके ओपनिंग बैट्समैन की, अपोनेंट के, क्योंकि अपोनेंट के जो ओपनिंग के 3 बंदे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो इसलिए इनका चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ ये बात हो गई टीमों की, मैंने टीम के बारे में आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो गाइज़ अब इनमें से बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो जो आपको पता होना चाहिए। जो गाइज़ यार ये टीमों में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, ई पैरी बहुत रन्स मारती है, विकटे भी लेती है, बॉलिंग करने वापस आ गई है, मीडियम पेस बॉल करती है, और ये बंदी काफ़ी अच्छी चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टेंसी की। उसके बाद ए गार्डनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, साथ ही साथ बैटिंग से भी पॉइंट्स, फील्डिंग से भी पॉइंट्स और कैप्टन भी है, तो
सब कुछ आता ही आता है। और ये बंदी भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की काफी अच्छी चॉइस है। अगर हम ब्रिस्बेन हीट से बात करें तो ए केयर सबसे अच्छी ऑलराउंडर इस बैटिंग लाइनअप में, और ये बॉलिंग बैटिंग दोनों से काफी अच्छा पॉइंट्स देती है। उसके बाद दूसरे बंदे की बात करें तो दूसरे बंदी की बात करें तो एन हैकॉक हैनकॉक, इनकी बॉलर, इनकी फास्ट बॉलर काफी एग्रेसिव है। और इस पिच पे गाइज फास्ट बॉलर्स ने 36 विकेट लिए हैं जबकि स्पिनर्स ने 24 विकेट लिए, तो स्पेस फास्ट बॉलर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सी सिप्पल एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो सकती है क्योंकि सी सिप्पल ब्रिस्बेन हीट में स्टार्टिंग में बॉलिंग करेंगी। एन हैनकॉक को नहीं मारेंगे लोग क्योंकि वो काफी अच्छी बॉल कर रही है, हो सकता है सी सिप्पल पे चांस ले और उसे विकेट मिल जाए, तो सी सिप्पल को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज और मैं बता देता हूँ आपको, लॉरेन शीटल जो एल शीटल नाम से जो आपको सिडनी सिक्सर की बॉलिंग लाइनअप में दिख रही है, वो काफी अच्छी ओपनिंग बॉलिंग करती हैं, ओपनिंग स्पेल काफी अच्छा है उनका। वो गेविन ग्रेस हैरिस और रेड माइनी को तंग कर सकती हैं ब्रिस्बेन हीट की। तो गाइज इन प्लेयर्स के ऊपर आप ध्यान रखना, खासकर जिनका मैंने नाम लिया है। तो गाइज अब बात करते हैं टीम्स की, टीम्स जो जो कि मैंने बनाई है। अगर ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग करता है तो आप किस तरह की टीम स्मॉल लीग में यूज कर सकते हैं। मैं अभी ब्रिस्बेन हीट को फेवरेट मान के मैंने टीम बनाई है, और एक टीम मैंने इसमें क्या बोलते हैं अपनी सिडनी सिक्सर्स को भी फेवरेट मानकर टीम बनाई है। तो गाइज मैं पहले आपको दिखा देता हूँ जिसमें ब्रिस्बेन हीट को मैंने फेवरेट माना है, वो वाली टीम मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपको कौन सी टीम कैसे यूज करनी है। ठीक है गाइज, तो हम चलते हैं सीधा इस वाली टीम पे। तो गाइज यार ये टीम है, इसके अंदर आपको क्या बोलते हैं मिक्स प्लेयर्स मिलेंगे। ये आप स्मॉल लीग में, स्मॉल लीग जो खेलते हैं गाइज वो लोग इस टीम को यूज कर सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए हमने ये काफी अच्छी टीमें बनाई हैं। आपको जो लोग स्मॉल लीग खेलते हैं उनको मेरी तरफ से एडवाइस है कि ये वाली टीमों को आप ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में यार आप ना मतलब कि रिस्क कम लेते हैं, तो मैंने वैसी टाइप के कुछ प्लेयर्स इस टीम में रखे हैं। कैप्टन मेरी है ए कार, और वाइस कैप्टन है एलिसा पैरी। और इसके अंदर गाइज आपको 6 ऑलराउंडर्स दिख रहे हैं, ये मैंने सारे ऑलराउंडर्स लिखे हैं। अगर आपको ऑलराउंडर्स कम करने हैं तो आप सी नॉट को ड्रॉप कर सकते हैं, मेटली ब्राउन को ड्रॉप कर सकते हैं, उन दोनों की जगह आप दो बॉलर्स भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। मैंने इन ऑलराउंडर्स को टीम में फिर भी रखा है। एक ऑप्शन और है आपके पास, सूजी बेट्स। सूजी बेट्स सिडनी सिक्सर की ओपनिंग बैट्समैन है, अगर आप चाहें तो उनको भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये है पहली स्मॉल लीग की टीम। फिर दिखाता हूँ दूसरी स्मॉल लीग की टीम, ये इसमें थोड़ा मैंने सिडनी सिक्सर्स को फेवरेट माना है। उसके अंदर एलिसा पैरी को मैंने कैप्टन दिया है, वाइस कैप्टन ए गार्डनर को बनाया है। इसके अंदर मैंने सिडनी सिक्सर के दो बॉलर एल शीटल और एल स्मिथ रखे हैं। हैनकॉक मैंने रखा है अपना ओपोनेंट साइड बॉलर की तरफ से, जॉनसन केयर और एम डुप्रीज और जी हैरिस, इनकी बैटिंग मैंने थोड़ी ले ली है गाइज, बट आप लोग चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसके अंदर गाइज अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप एम डी प्रीज स्टार्टिंग में आती है, इनको ड्रॉप कर दें, इनको ड्रॉप कर दें। आप यहाँ से एक ऑलराउंडर मैटली ब्राउन, के नॉट या जी वॉल, इन तीनों में से कोई एक ऑलराउंडर, या फिर यहाँ से सी सिप्पल या फिर एस ग्लैन अगर खेलती है, एस ग्लैन अगर खेलती है तो गाइज आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसने एक मैच ही खेला था उसमें 66 पॉइंट्स निकाले थे, ये एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकती है। और दूसरे मैच में देखो इसने 149 पॉइंट्स भी निकाले हैं, पता नहीं ये इस मैच के लिए फिट है कि नहीं। लेग ब्रेक बॉलर है, लेग ब्रेक बॉलर काफी सक्सेसफुल रहते हैं गाइज, अगर ये खेलती हैं तो इनको आप जरूर ट्राई करना। नहीं तो आप यार एक आपको एक्स्ट्रा जो लेना है वो आप यहां से या तो मेटली ब्राउन या सी नॉट को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो सी नॉट को अगर आप ट्राई करते हैं तो टीम आपको कुछ इस तरह दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ली नॉट को ट्राई करेंगे तो टीम कुछ आपको इस तरह दिखेगी। तो ये एक टीम है जो आप सिडनी सिक्सर्स के फेवर में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको
को सिर्फ और सिर्फ ब्रिस्बेन हीट के लिए बनानी है टीम, तो मैं उसके लिए भी दिखा देता हूँ। तो ये वाली टीम है, इसमें ब्रिस्बेन हीट को मैं फेवरेट्स मान रहा हूँ। इसमें आप चाहें तो वाइस कैप्टन एलिसा पेरी की जगह हैनकॉक को भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे कैप्टन होंगे एमिलिया केर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ब्रिस्बेन हीट की। इसमें ब्रिस्बेन हीट में जे जॉनसन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये विकेट भी लेती है साथ साथ बॉलिंग भी करती है, साथ ही एमिलिया केर का भी रोल सेम है, बट इनकी बैटिंग लाइनअप नीचे है। एल शीटल हैनकॉक विकेट लेने में बहुत तेज है, काफ़ी विकेट्स लेती हैं ये दोनों, इसीलिए मैंने इनको बॉलर्स में रखा है। सी सिप्पल मेरा ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, जो कि ब्रिस्बेन हीट की तरफ से आपको पावर प्ले में और डेथ में भी बॉलिंग करती दिख सकती हैं। अगर आप चाहें, इसके अंदर मैंने एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर रखी है ई बर्न्स, अगर आप चाहें बैट्समैन कम रखना तो आप ई बर्न्स को ड्रॉप करके एक ऑलराउंडर या फिर एक बॉलर ले सकते हैं। मैं पहली बता रहा हूँ 163 का यहाँ पर एवरेज स्कोर है, तो बैटिंग तो सबकी आएगी और बैटिंग में रन्स भी बनने हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा बैटिंग तीन बंदे ले लिए। वैसे आप चाहें तो दो या एक भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज ये थी तीन चार टीमें जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको, ये स्पेशल है इस वीडियो में, मैं आपको एक ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखा देता हूँ। एक ग्रैंड लीग की टीम आप लोगों के लिए, आप लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, जी रेड माइनी को आप ट्राई कर रहे हैं ना गाइज, अगर आपको लगता है ये परफॉर्म नहीं करेगी, अगर आपको लगता है कि ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, आप एक टीम में इसको ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हैं। उसकी जगह आप बी हेल्थ को, बी हीट को ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको रिस्क लेना है। अगर आपको दोनों रखने हैं तो आप दोनों ले लो। उसके बाद यहाँ से सिर्फ एक एलिसा पैरी, मान के चलो कि ओपनिंग बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद गाइज यहाँ से एमली केर, ए गार्डनर, ट्रायन जॉनसन, ये चार हमारे फिक्स्ड ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा गाइज आप चाहें तो जी वॉल, ट्रम्प कार्ड प्लेयर की तरह जी वॉल को यूज कर सकते हैं। अगर आप जी वॉल को देखें, इस बंदी ने क्या बोलते हैं इन्हीं के खिलाफ, पर्स कॉचर के खिलाफ 40 पॉइंट दिए थे, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बट ये कभी कभार सिडनी सिक्सर के खिलाफ 104 पॉइंट, तो बैटिंग बॉलिंग ऑल सब जगह से इस लड़की ने 104 पॉइंट दिए थे लास्ट टाइम। तो गाइज अगर आप चाहें तो इसको टीम में एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर लेकर चल सकते हैं। और साथ ही साथ फिर आप यहां से, अगर आप ब्रिस्बेन हीट के फेवर में टीम बना रहे हैं, तो आपको हैनकॉक और सिप्पल को तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बॉलिंग फ्रेंडली है। और यहां से आप लेंजी स्मिथ या फिर के पीटरसन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है लिंजी स्मिथ को विकेट नहीं मिलेगी, तो आप मेटली ब्राउन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो टीम आपकी कुछ इस तरह दिखेगी। मैं फिर भी कहूंगा कि एक बॉलर आप वहां से लें, तो इसी वजह से आप बेस हिट को हटा के यहां से लिंजी स्मिथ, कुछ ऐसी टीम आप ट्राई कर सकते हैं। ये टीम आपको ग्रैंड लीग में हेल्प कर जाएगी। कैप्टन वाइस कैप्टन गाइस, देखो अगर आपको डिफरेंट करना है कुछ, अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है, तो आप इलिसा पेरी, ए गार्डनर और एमली केयर में से किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाओ, किसी भी डिफरेंट प्लेयर को यूज करो। जैसे कि आप यूज कर सकते हो हैनकॉक को कैप्टन या फिर सिप्पल को वाइस कैप्टन, मतलब कि आपको कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्राई करने पड़ेंगे। अभी के लिए मैं जे जॉनसन को कैप्टन भी ट्राई कर सकता हूँ या फिर वाइस कैप्टन, और इधर से या तो मैं ये कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा, जे जॉनसन कैप्टन और हैनकॉक वाइस कैप्टन, या फिर ये कैप्टन और यहाँ से कोई प्लेयर रेड माइनी को मैं वाइस कैप्टन। तो टीम आपको कुछ इस तरह दिखेगी, बहुत ही डिफरेंट टीम है, यूनिक कॉम्बिनेशन है, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। यूट्यूब मेंबर्स अपनी ग्रैंड लीग की टीम ले लेना, टीम में चेंजेस कर लेना, सेम टीम मत यूज करना, जीतने हारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं। अच्छी से अच्छी टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिडिक्शन के हिसाब से बता रहे हैं आपको कि फर्स्ट बैटिंग में क्या करना है, सेकंड बैटिंग में क्या करना है, और साथ ही साथ ड्रीम 11 की जीएल टीम्स में क्या कर सकते हैं। थैंक्स थैंक्स अलॉट गाइस ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल नई वीडियोज के साथ, बाय बाय।